नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जींस के भाव में आई तेजी, किसमें आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज खासतौर से आपको हम जानकारी देंगे धान, सरसों, अरहर, ज्वार, कपास और जीरे के बाजार की। इसके अलावा भी कई और कृषि जींसों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले रुख करते हैं आज की खास सुर्खी की तरफ। रबी धान की बुआई ने पकड़ी रफ्तार, बीते साल के मुकाबले 36,000 हेक्टेयर बढ़ा रकबा। और आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं आज की खास सुर्खी। जैसा कि हमने आपको बताया, सबसे पहले यानी धान की आज बात अगर की जाए, क्योंकि चालू खरीफ विपणन सीजन को अगर देखें 2021 और 22 के लिए, सरकार ने धान किसानों से अब तक 290 लाख मेट्रिक टन की खरीद की है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धान के भाव पर देखने को मिल सकता है। वहीं चालू रबी सीजन में धान की बुआई ने रफ्तार पकड़ी है, बीते साल के मुकाबले धान का रकबा 36,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। फिलहाल बाजार में क्या स्थिति है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। पिछले वर्ष की तरह ही खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों से धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। साल 2021 में 30 नवंबर तक खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में 290,98,000 मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। ये खरीद चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में हुई है। अब तक लगभग 18,17,000 किसानों को 57,32,03,00,000 रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिला है। मौजूदा खरीफ विपणन मौसम में धान की खरीद दूसरे राज्यों के मुकाबले पंजाब से सबसे अधिक हुई है। यहां धान की कुल खरीद 186 मीट्रिक टन के पार पहुंच गई है। वहीं हरियाणा में धान की खरीद 55,30,596 टन और तेलंगाना से 16,13,982 टन, उत्तराखंड से 11,55,402 टन, जबकि उत्तर प्रदेश से 12,42,593 टन धान की सरकारी खरीद हुई है। अन्य राज्यों में भी धान की खरीद जोर पकड़ रही है। बता दें कि खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के लिए 30 नवंबर तक कम से कम 1,31,13,417 किसानों को 1,68,823,23,00,000 रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल चुका है और 8,94,19,081 टन की खरीद की गई थी। धान की आवक इन दिनों अधिकांश कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में धान के भाव स्थिर रहे, हालांकि कुछ मंडियों में इसके सौदे बढ़त के साथ हुए। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चंपा मंडी में 6 दिसंबर को धान का भाव था 1,940 रुपए। 7 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1,940 रुपए पर बना रहा। कर्नाटक की लिंगा सुदूर मंडी में इस दौरान सोना धान के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 6 दिसंबर को सोना क्वालिटी की धान का भाव रहा 2,000 रुपए, 7 दिसंबर को इसके भाव में 200 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2,200 रुपए। वहीं केरल की पुल्लेपल्ली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहां 6 और 7 दिसंबर को धान 1,950 रुपए पर बिकी। इसी तरह उत्तर प्रदेश की पीलीभीत मंडी में 6 दिसंबर को धान का भाव रहा 1,940 रुपए, 7 दिसंबर को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,940 रुपए रहा। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में धान के भाव पर नजर डालें तो बस्ती मंडी में मंगलवार को धान का भाव रहा 1,940 रुपए, फतेहपुर मंडी में सामान्य क्वालिटी की धान का भाव रहा 1,940 रुपए, मिर्जापुर मंडी में धान 1,940 रुपए पर बिकी। वहीं राज्य की ही बदायूं मंडी में इस दौरान सामान्य क्वालिटी की धान के सौदे 1,940 रुपए पर हुए। धान की बुआई पर नजर डालें तो चालू रबी सीजन में बीते कुछ समय से पीछे चल रही धान की बुआई ने अब रफ्तार पकड़ ली है। बीते साल के मुकाबले रबी धान का रकबा 36,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 3 दिसंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी सीजन में धान की कुल बुआई 9,74,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 9,38,000 हेक्टेयर ही रहा था।
तो जाना आपने, अगर बात की जाए धान के बाजार की, क्या स्थिति इसमें बनी हुई है। एक तरफ सरकारी खरीद का असर, तो दूसरी तरफ जो रकबा है उसमें भी इजाफा नजर आया। फिलहाल आने वाले समय में बाजार की स्थिति कैसी होगी, इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुख कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे आने वाले समय में क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप धान के बाजार में। धान की अगर बात करें तो धान के बाजार में हमने तेजी आते हुए देखी है, मंडियों के अंदर आवक कम होते हुए दिखाई दी है। हमने इस बार देखा कि धान की बंपर क्रॉप रही है, मगर क्रॉप में जो क्वालिटी है थोड़ी सी नमी आती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से धान के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है धान के बाजार में आने वाले दिनों में भावों में तेजी और देखने को मिल सकती है, लियात मांग से ही भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल अनुज जी, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? धान के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को होल्ड करके चले। हमें लगता है छोटी अवधि में धान के बाजार में तेजी का रुख बना रहेगा। जिन किसानों के पास धान है उनके लिए सलाह है कि क्रॉप को रोक के चले, जहां से भावों में तेजी देखने को मिल सकती है, जहां से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। निर्यात मांग से और घरेलू डिमांड से भी भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो किसान अगर धान को होल्ड करते हैं तो उनको यहां से अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी का मानना यही कि इंतजार करना बेहतर रहेगा फिलहाल। और अनुज जी, आपके पास भी दोबारा हम लौट कर आएंगे मंडी खबर में, रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों का। सरकार ने दलहन में आत्मनिर्भरता को बनाए रखने के लिए किसानों को किया प्रोत्साहित, देश में 50,000 हेक्टेयर बढ़ा रबी दलहन का रकबा। और सरसों के भाव को बढ़ता देख किसानों का बुआई की और बढ़ा रुझान, बीते साल से 15 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है रबी सरसों की खेती। और आइए मंडी खबर में बात करते हैं अरहर के बाजार की। देश में दलहन की खेती कर रहे किसान जमकर दलहन की बुआई कर रहे हैं। देश के कुछ हिस्सों में रबी दलहन की बुआई हो चुकी है, जबकि कई राज्यों में अभी भी खेती की जा रही है। केंद्र सरकार ने दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित भी किया है। आप बता दें इसके चलते ही दलहन का जो रकबा है बीते साल के मुकाबले 50,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है, लेकिन बाजार की स्थिति क्या बनी हुई है आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। देश भर में दलहन की खेती कर रहे किसान जमकर दलहन की बुआई कर रहे हैं। हालांकि देश के कुछ हिस्सों में रबी दलहन की बुआई का काम हो चुका है, जबकि कई राज्यों में बुआई अभी भी जारी है। केंद्र सरकार ने दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बनाए रखने के लिए किसानों को प्रोत्साहित भी कर रही है। साल 2021-22 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों से पता चला है कि दलहन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। दलहन की खेती की बात करें तो चालू रबी सीजन में दलहन की बुआई का रकबा पिछले साल के मुकाबले 50,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2020-21 में दलहन की कुल बुआई 1,13,48,000 हेक्टेयर में हुई थी, जो साल 2021-22 के दौरान बढ़कर 1,13,98,000 हेक्टेयर के पार पहुंच गई है। देश के अलग अलग राज्यों में हो रही दलहन की कुल बुआई पर नजर डालें तो 3 दिसंबर तक गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में इस साल दलहन की बुआई बीते साल के मुकाबले अधिक हो रही है। वहीं ओडिशा, बिहार, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम में दलहन का रकबा पिछले साल के मुकाबले अभी तक पीछे चल रहा है। अरहर के हाजिर भाव पर नजर डाले तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 6 दिसंबर को साबुत अरहर का भाव था 5,750 रुपए। 7 दिसंबर को इसके भाव में 150 रुपए की तेजी आई और भाव 5,900 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की जम्बूसर मंडी में साबुत अरहर के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 6 दिसंबर को साबुत अरहर का भाव रहा 5,000 रुपए। 7 दिसंबर को इसके भाव में 200 रुपए का उछाल आया और भाव 5,200 रुपए पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान साबुत अरहर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 6 और 7 दिसंबर को साबुत अरहर 6,340 रुपए पर बिकी। हालांकि मिर्जापुर मंडी में अरहर के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 6 दिसंबर को अरहर का भाव था 6,375 रुपए। 7 दिसंबर को इसके सौदों में 5 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,370 रुपए पर आ गया। देश की दूसरी मंडियों में साबुत अरहर के भाव की बात करें तो कर्नाटक की लिंगा सुगुर मंडी में मंगलवार
सोमवार को साबित अरहर का भाव रहा 4,700 रुपए। महाराष्ट्र की सेलू मंडी में भाव रहा 5,800 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी में अरहर 4,675 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की करवी मंडी में इस दौरान साबित अरहर के सौदे 5,815 रुपए पर हुए। वहीं देश से होने वाले दालों के निर्यात में अक्टूबर महीने के दौरान बढ़त देखने को मिली है। साल 2020-21 के अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान दलहन का निर्यात में 833 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के दौरान देश से 182,480 टन दालों का निर्यात हुआ है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 181,647 टन का ही हुआ था। तो न सिर्फ दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ निर्यात की स्थिति भी काफी बेहतर नजर आती है। लेकिन अरहर के बाजार की अगर बात की जाए, ये किस रफ्तार से आगे बढ़ेगा, इसके लिए आइए रुख कर लेते हैं। अनुज जी का लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे अरहर के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं इसमें? अरहर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमें नरमी आते हुए दिखी है सभी दालों के अंदर, और अरहर के अंदर भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। मंडियों के अंदर आवक अच्छी बनी हुई है और डिमांड कम होने की वजह से भावों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। साथ में देखें तो इस बार बारिश अच्छी होने की वजह से पैदावार भी अच्छी देखने को मिली है और बंपर क्रॉप की आशंका है। हमें लगता है कि आने वाले समय में अरहर में और बाकी दालों में भाव नरम रह सकते हैं और पैदावार भरपूर हो सकती है। जी, बंपर पैदावार का अनुमान जैसा आपने कहा, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या करना सही रहेगा? अनुज जी, अरहर के किसानों को सलाह है कि वो भी अपनी क्रॉप को बेचकर निकल सकते हैं, होल्ड ना करें। हमें लगता है कि आने वाले समय में अरहर के बाजार में नरमी का रुख रहेगा। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से आवक बढ़ी है तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे, और आने वाले समय में जैसे जैसे नई क्रॉप की आवक आएगी तो भाव में और नरमी देखने को मिलेगी। हमें लगता है किसानों को अरहर को बेचकर निकल जाना चाहिए, आने वाले समय में भाव नरम और हो सकते हैं। जी बिल्कुल, तो अनुज जी का मानना यही कि आने वाले समय को देखते हुए फिलहाल बाजार का रुख करना सही रहेगा किसानों के लिए। अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं बाजरे का बाजार भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात करें गुजरात की दिशा मंडी की, तो यहाँ बाजरे का भाव रहा 1,925 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की गुस्सदी मंडी में भाव रहा 1,760 रुपए क्विंटल। राजस्थान की जयपुर मंडी, यहाँ पर बोल बाजरे का भाव रहा 1,815 रुपए क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की खुर्जा मंडी में इस दौरान बोल बाजरे के सौदे 1,727 रुपए क्विंटल पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो जाना आपने अलग अलग कृषि इंजीनियरों के बाजार का हाल। फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे सरसों और ज्वार के बाजार की स्थिति भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हर जो किन से निकल का फसल आए सुरक्षित हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का दावा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवरेज, कृषि एवं किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम आपको बताएंगे ज्वार के बाजार की स्थिति। निगरानी से पहले रुख कर लेते हैं सरसों के बाजार का। चालू रबी सीजन के दौरान तिलहन के रकबे में 18 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी देखने को मिली है। सरसों का रकबा दूसरी तिलहनी फसलों के मुकाबले सबसे आगे चल रहा है। सरकार की कोशिशों और इस साल बाजार में मिली अच्छी कीमतों को बढ़ता देख किसानों ने सरसों की खेती पर जोर भी दिया है। किसानों ने इस बार सरसों न्यूनतम समर्थन मूल्य से लगभग दोगुने भाव पर बेची है, जिसका असर तिलहन के रकबे पर नजर आ रहा है। फिलहाल बाजार की स्थिति क्या बनी हुई है, आइए इस पर डालते हैं नजर इस रिपोर्ट में। बाजार
देश में अभी रबी फसलों की बुआई का सीजन चल रहा है। देश में तिलहन किसान जमकर बुआई कर रहे हैं। देश के कई राज्यों में तिलहन की बुआई चरम पर है। अक्टूबर में मध्य में हुई बारिश के कारण कई क्षेत्रों में रबी तिलहन की बुआई में देरी हुई है। बावजूद इसके पिछले साल के मुकाबले तिलहन का रकबा बढ़ा है। तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की सरकार की कोशिशों को भी किसान बल दे रहे हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 3 दिसंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों से पता चला है कि तिलहन के रकबे में 18,92,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। दूसरी रबी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तिलहन के क्षेत्र में देखने को मिल रही है। वहीं कृषि मंत्रालय के साल 2021-22 के लिए 3 दिसंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में तिलहन की बुआई 18,92,000 हेक्टेयर बढ़कर 83,00,000 हेक्टेयर के पार पहुँच गयी है, जो बीते साल के समान अवधि के दौरान 64,73,000 हेक्टेयर ही रही थी। सरसों के रकबे की बात करें तो साल 2021-22 में 3 दिसंबर तक सरसों की बुआई बीते साल के मुकाबले 18,06,000 हेक्टेयर बढ़कर 77,62,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 59,75,000 हेक्टेयर ही रहा था। राज्यों में हो रही कुल तिलहन की बुआई पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, गुजरात और उत्तर प्रदेश में अभी तक तिलहन का रकबा बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है, जबकि बिहार, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बुआई बीते साल से पीछे है। आपको बता दें कि सरकार की कोशिशों और इस साल बाजार में मिली अच्छी कीमतों को देखते हुए देश के किसानों का रुझान सरसों की खेती की तरफ बढ़ा है। किसानों ने इस बार सरसों न्यूनतम समर्थन मूल्य से लगभग 2 गुने भाव पर बेची है, जिसका असर तिलहन के रकबे पर देखने को मिल रहा है। सरसों के हाजिर भाव पर नजर डाले तो गुजरात की राजकोट मंडी में 6 दिसंबर को सरसों का भाव था 7,850 रुपए। 7 दिसंबर को इसके भाव में 325 रुपए का उछाल आया और भाव 8,175 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहां 6 और 7 दिसंबर को सरसों 9,500 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में सरसों के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 6 दिसंबर को सरसों का भाव रहा 7,733 रुपए। 7 दिसंबर को इसके भाव में 148 रुपए की तेजी आई और भाव 7,881 रुपए हो गया। हालांकि राज्य की ही जोधपुर मंडी में 6 दिसंबर को सरसों का भाव था 6,400 रुपए। 7 दिसंबर को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 6,400 रुपए पर बना रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 6 दिसंबर को सरसों का भाव रहा 7,290 रुपए। 7 दिसंबर को इसके सौदे 5 रुपए चढ़कर 7,295 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में सरसों के भाव पर नजर डाले तो बस्ती मंडी में मंगलवार को सरसों का भाव रहा 7,030 रुपए, करवी मंडी में भाव रहा 7,275 रुपए, गाजीपुर मंडी में सरसों 7,430 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की मिर्जापुर मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 7,515 रुपए पर हुए। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में साल 2021-22 के दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश में कुल तिलहन की उपज 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसत तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। रोजाना आपने तिलहन कृषि जिन तक की अगर हम बात करें और खासतौर से सरसों को भी देखा जाए तो अच्छी स्थिति यहाँ नजर आ रही है। ऐसे में बाजार जो है वो किस रफ्तार से आगे बढ़ सकता है, ये जान लेते हैं अनुज जी से। अनुज जी, क्या स्थिति देख पाएंगे हम आने वाले समय में सरसों के बाजार में? सरसों की बात करें तो यहाँ पर हमने कुछ नरमी का रुख आते हुए देखा है। सभी खाद्य तेलों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। इस बार अगर देखें तो सरसों की जो पैदावार है वो बढ़ सकती है, एकरेज के अंदर भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। हमें लगता है सरसों के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? सरसों के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को बेचकर निकल जाएं, आने वाले दिनों में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। आगे जाके जैसे जैसे नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। इस बार अगर देखें तो सरसों का जो एकेज है, जो एरिया है, वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और पैदावार भी बम पर बताई जा रही है। हमें लगता है सरसों के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखा जा सकता है। तो जिन किसानों के पास सरसों रखा है उनके लिए सलाह है कि वो क्रॉप को बेचकर निकल जाएं, आने वाले दिनों में भावों में नरमी देखी जा सकती है।
चलिए बिल्कुल, तो ना सिर्फ देखिए सरसों का रकबा बढ़ा, पैदावार बढ़ी, बल्कि किसानों को एमएसपी से दोगुना जो बाजार भाव है वो भी हमारे किसानों को मिला। लेकिन आने वाले समय को देखें तो अनुज जी का मानना यही नरमी जो है वो कहीं ना कहीं इसके बाजार में नजर आ सकती है। अब आइए आगे बढ़कर आपको बताते हैं अरंडी बीज का जो भाव रहा अलग अलग मंडियों में वो क्या दर्ज किया गया। सबसे पहले गुजरात की दहगांव मंडी की अगर बात करें तो यहाँ भाव रहा 6,200 रुपए क्विंटल, जबकि हलवद मंडी में भाव रहा 6,350 रुपए क्विंटल, वहीं राजकोट मंडी में भाव रहा 6,105 रुपए क्विंटल और राजस्थान की जोधपुर मंडी में अरंडी बीज का भाव रहा 5,600 रुपए क्विंटल। इसके बाद आइए नजर डाल लेते हैं मसूर के बाजार भाव पर भी। सबसे पहले आपको बताते हैं मध्य प्रदेश की कृष्णा मंडी, यहाँ पर मसूर का भाव रहा 6,790 रुपए क्विंटल, राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 5,651 रुपए क्विंटल, उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में भाव रहा 7,800 रुपए क्विंटल, उत्तर प्रदेश की ही कानपुर मंडी यहां भाव रहा 6,820 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए मंडी खबर में बात करते हैं ज्वार की। जी हाँ, देशभर में हो रही रबी ज्वार की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1,96,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 और 22 के लिए 3 दिसंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में ज्वार की बुआई 18,95,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 20,51,000 हेक्टेयर रही थी, माफ कीजिए 91,000 हेक्टेयर दर्ज की गई थी। मोटे अनाज की पैदावार की बात करें तो मोटे अनाज के लिए साल 2021 और 22 का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021 और 22 के दौरान देश में खरीफ मोटे अनाज की उपज 34 मिलियन टन होने का अनुमान है। वहीं मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक सामान्य दर्ज की गई। एग्रोवॉक नेट के अनुसार अगर भाव की बात हम करें तो गुजरात की राजकोट मंडी में सफेद ज्वार का भाव रहा 2,125 रुपए क्विंटल, गुजरात की सावरकुंडला मंडी यहां भाव रहा 1,950 रुपए क्विंटल, राजस्थान की ब्यावर मंडी में भाव रहा 1,850 रुपए क्विंटल, उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी यहां लाल ज्वार के सौदे 1,900 रुपए क्विंटल पर हुए। और आइए जल्दी से रुक कर लेते हैं अनुज जी का, जान लेते हैं उनसे क्या स्थिति रहेगी। अनुज जी, ज्वार के बाजार को अगर देखें क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं इसमें आने वाले समय में? ज्वार की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने कुछ बढ़ोतरी आते हुए देखी है। डिमांड बढ़ने की वजह से बाजार में तेजी देखने को मिल रही है, हालांकि इस बार इसकी भी बम्पर फसल देखने को मिली है। हमें लगता है ज्वार के बाजार में छोटी अवधि में भाव एक रेंज में रहेंगे, भावों में ना ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा, भावों में सीमित दायरे का कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल, ऐसे में किसानों को लेकिन क्या करना सही रहेगा सीमित दायरे में? ज्वार के किसानों को सलाह है कि वो अपनी क्रॉप को यहाँ पर बेच कर निकल सकते हैं, क्योंकि इसकी बम्पर क्रॉप देखने को मिल रही है, अच्छी क्रॉप भी है। हालांकि भाव अभी सीमित दायरे में, मगर आने वाले समय में माना जा रहा है कि जैसे नई क्रॉप आती दिखाई देगी तो भावों में और नरमी देखने को मिलेगी, तो फसल की आवक की वजह से भाव नरम हो सकते हैं। किसानों के लिए सलाह है कि जैसे उनको मौका मिले तो वो अपनी क्रॉप को बेचकर निकलते रहे। चलिए बिल्कुल, अनुज जी का मानना यही कि बेहतर भाव मिलता है तो आप बाजार का रुख कर सकते हैं। आइए हम भी अब रुख कर लेते हैं एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे कुछ और कृषि जिनसों के बाजार का हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अभी आएगा। अरे बोले ना, कब आएगा? बोले ना, अभी आ जाएगा। अरे आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी, जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुँह में घी चक्कर। घी चक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल, जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। भाई बात करते हैं जीरे के बाजार की। इस बार इसकी पैदावार में इस साल कुछ कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020 और 21 के लिए हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार जीरे की उपज में 10% की कमी का अनुमान जताया गया है। बागवानी फसलों के लिए कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश भर में जीरे की पैदावार 8,56,000 टन रह सकती है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 9,12,000 टन दर्ज की गई थी। वहीं कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को एकमात नेट के अनुसार अगर बात करें तो गुजरात की धौल मंडी में जीरे का भाव रहा 12,050 रुपए क्विंटल।
यही की हलवद मंडी भाव रहा 14,575 रुपए क्विंटल, जबकि जसदन मंडी में भाव रहा 14,250 रुपए क्विंटल। जबकि गुजरात की ही सावरकुंडला मंडी की बात करें तो यहां भाव रहा 14,500 रुपए क्विंटल। देश से होने वाले जीरे के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020 और 21 के दौरान देश से होने वाले जीरे के निर्यात को देखें तो ये 40% से अधिक बढ़ा है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2020 और 21 के दौरान देश से 2,99,000 टन जीरे का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 2,14,190 टन का ही हो पाया था। तो जाहिर तौर पर जो निर्यात की स्थिति है वो काफी बेहतर नजर आ रही है, लेकिन बाजार किस स्थिति में होगा ये जानते हैं अनुज जी से। अनुज जी, जीरे के घरेलू बाजार की अगर बात की जाए, क्या जो तस्वीर है वो नजर आएगी हमें अभाव की? मसालों में अगर जीरे की बात करें तो यहाँ पर हमने अगेन तेजी आते हुए देखी है। निर्यात मांग और डोमेस्टिक डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार जीरे की खेती फुटलती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है कि आने वाले समय में मसालों में और जीरे में तेजी का रुख बना रहेगा। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से भावों में तेजी देखी है और जिस तरीके से क्रॉप का मार्क देखने को मिल रही है, भाव और तेज हो सकते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जीरे की किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को होल्ड करके चले, यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। निर्यात मांग से और डोमेस्टिक डिमांड से कम क्रॉप होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हमारे व्यापार के अंदर ही भावों पर आते हुए दिखाई दिए और मंडियों के अंदर ही भावों में तेजी देखने को मिल रही है। जी मेरा आने वाले समय में जीरे के बाजार में तेजी का रुख रहेगा। अगर हम बात करें सभी मसालों की तो वहाँ पर भी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो जिन किसानों के पास जीरा रहा है उनके लिए सलाह है कि भी होल्ड करके चले, मसाले होल्ड करके चले, आने वाले दिनों में भावों में और तेजी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, कानून जी का मानना यही कि आने वाले समय में तेजी नजर आएगी मसालों के बाजार में और खासतौर से जीरे में भी। अब आइए जान लेते हैं ग्वार का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। गुजरात की सबसे पहले बात करें तो रापर मंडी, यहाँ भाव रहा 4,940 रुपए क्विंटल। यहाँ की हलवद मंडी की बात की जाए तो भाव रहा 5,000 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 5,111 रुपए क्विंटल। राजस्थान की ही बाड़मेर मंडी की बात करें तो यहाँ ग्वार का भाव रहा 5,450 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। साथ ही अनुज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ हमारे दर्शकों को साथ साझा की, बताया कि स्थिति रहेगी कृषि जिनसों की और ऐसे में किसानों को क्या करना बेहतर। साथ ही आपको बता दें सारी जानकारी अब आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी ले सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है इसे स्कैन कीजिए, फिर सारी जानकारी आप ले पाएंगे, यानी अलग अलग मंडियों के भाव जान पाएंगे मंडी खबर के साथ। फिलहाल आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। अलग अलग कृषि जिनसों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। Thank you.